तो यार अभी के समय में, में इंस्टाग्राम में कुछ इस टाइप की रील वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है अगर आप लोग भी ऐसी वीडियो बनाते हो ना तो आप लोग की रील वीडियो वायरल हो सकती है इस वीडियो को पूरा देखिएगा इस वीडियो में आप लोग को यही सिखाने वाला हूँ कैसे आप लोग ऐसी वीडियो बना सकते हो अपनी तो कैसे बनाना आप लोग को बताता हूँ सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे नेट कनेक्शन ऑन कर लेना है अपने मोबाइल का इसके बाद क्या करना है आप लोग को यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई सा भी ब्राउजर आप लोग को जो भी अच्छा लगता है उसे आप लोग को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ सर्च करना है जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च कर लिया हूँ यहाँ पे देख सकते हो इंडियन पैलेस इंटीरियर ठीक है इसके बाद इसे सर्च करने के बाद में आप लोग को क्या करना है ना इमेज में चले आना है इमेज में जाने के बाद में आप लोग को यहाँ पे बहुत सारी इमेज मिल जाएंगी इनमें से कोई सी भी फोटो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा कैसे करना है आप लोग को एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप्स से ऐसे मतलब आप लोग क्लिक करिएगा इसके बाद क्या करना है आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे आप लोग को व्यू में क्लिक कर लेना है देखें यहाँ पे मैंने गलती से हिंदी कर दिया था ठीक है तो इसके बाद क्या करना है आप लोग को यहाँ पे कुछ स्टेप से लॉन्ग प्रेस करना है फोटो में और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड इमेज में क्लिक कर लेना है इसमें क्लिक करने के बाद में इस वीडियो को लाइक कर देना है प्लीज लाइक कर दो लगती है वीडियो बनाने में और उसके बाद क्या करना आप लोग को यहाँ पे कर लेना है डाउनलोड में क्लिक और उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग की जो इमेज होगी जो फोटो होगी वो डाउनलोड हो जाएगी ठीक है तो इस टाइप से आप लोग को कुछ फोटोज को डाउनलोड कर लेना है फोटो डाउनलोड नहीं होती है तो आप लोग क्या कीजिएगा ना मतलब जैसे कि ये फोटो डाउनलोड नहीं हो रही है ठीक है मतलब अब आप लोग समझ गए होगे तो इसके बाद में क्या क्या कीजिएगा ना आप लोग यहाँ पे कुछ स्टेप से स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो यार ठीक है आप लोग को पता ही है ठीक है अपन लोग इंडिया ने ठीक है जुगाड़ उगाड़ अपन से बनता है सब कुछ इस टाइप से स्क्रीन ले सकते हो यहाँ पे सेव कर, कर, तो से कर डाउनलोड करके रख लिया हूं। तो तो आप लोग स्टोर से या फिर एप स्टोर से कर लेना है इसके बाद में इसे ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहाँ पेउ में क्लिक कर लेना है न्यू प्रोजेक्ट में आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर लेना है न्यू प्रोजेक्ट में फोटोज के सेक्शन में जाना है आप लोग ने जो भी फोटो फ़ोटोज़ को क्लिक करे हो जो भी फ़ोटोज़ को डाउनलोड करे हो तो उन्हें आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है जैसे ट्रेडिशनल लुक में जो फ़ोटो होगी तो उसे ऐड कर लीजिएगा इसके बाद में पहले तो ऐड कर लीजिएगा ठीक है इसके बाद तो 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 में एक मतलब यहाँ पे जो पैलेस की फ़ोटो जो हमने अभी डाउनलोड करी है ठीक है तो उसमें से कोई एक फ़ोटो क्लिक मतलब ऐड कर लीजिएगा फिर इसके बाद फिर तो से अपनी फोटो को ऐड करिएगा फिर बाद में फिर यहाँ पे पैलेस की किसी की फ़ोटो ऐड कर लीजिएगा जो हमने अभी डाउनलोड करे हैं उसे ऐड कर लीजिएगा फिर अपनी फ़ोटो फिर पैलेस की फ़ोटो फिर अपनी फ़ोटो फिर पैलेस की आप लोग वीडियो के सेक्शन में जाके वीडियो को भी ऐड कर सकते हो इसके बाद क्या करना है आप लोग को यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर लेना है एरो वाले आइकॉन में इसमें क्लिक करने के बाद में क्या करना है आप लोग को कुछ स्टैप से यहाँ पे जो है आप लोग की फोटोज आ जा जाएंगी यहाँ पे ब्लैक कलर का वाटर मार्क ऐसे डिलीट कर देते हैं इसके बाद यहाँ पे सामने आने के बाद में आप लोग को ओरिजिनल में यहाँ पे क्लिक कर लेना है नाइन रे सिक्सटीन का एक्सपेक्ट रेशियो सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग को सभी फोटोज में कुछ स्टेप से ऐसे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग को क्रॉप में जाना है और इसी रेशियो में नाइन रे सिक्सटीन में आप लोग को यहाँ पे सभी फोटोज को क्रॉप कर लेना है अगर आप लोग फोटोज को यहाँ पे क्रॉप करोगे तो कुछ स्टेप से ऐसे क्रॉप करोगे आप लोग नाइन रेशियो सिक्सटीन में और अगर आप लोग जूम करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर की फोटो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ठीक है और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसे भी आप लोग ऐसे मतलब क्रॉप कर सकते हो इसी रेशियो में ठीक है तो इसके बाद में यहाँ पे डन में क्लिक कर लीजिएगा और सभी फोटोज को कर लीजिएगा तो यहाँ पे मैं सभी को कर लेता हूँ तो यार यहाँ पे मैंने सभी फोटोज को कर दिया हूँ कुछ इस टाइप से क्रॉप और बाकी आप लोग अगर चाहते हो कि ये फोटो यहाँ पे पीछे आ जाए ठीक है और ये वाली फ़ोटो यहाँ आगे आ जाए या कोई से भी मतलब ऐसे आप लोग लॉन्ग प्रेस करके कर सकते हो ठीक है इसके बाद क्या करना है आप लोग को बताता हूँ मैं आप लोग इसके बाद यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर लीजिएगा कुछ स्टेप्स है आप लोग को यहाँ पे चले आना है और उसके बाद म्यूज़िक में जाने के बाद यहाँ पे प्लस आइकन में यहाँ पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो में क्लिक करना है इसके बाद मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दूंगा उसे आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है यहाँ पे आप लोग को डन में क्लिक कर लेना है और जैसे ही डन में क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग की जो वीडियो की जो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी जो भी ऑडियो जो, जो है आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है और उसके बाद म्यूजिक बीट्स में आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर लेना है और बीट मार्के यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ उसके बाद आप लोग को बताता हूँ कैसे करना है आप लोग को मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ यहाँ पे रेड कलर का ये दिख रहा है ना आप लोग को ये फ्लैग तो इसमें जैसे ही ऐसे क्लिक करोगे तो ये कुछ स्टेप्स ये यहाँ पर लाइन यहाँ पे आ जाएंगी रेड की कुछ इस टाइप से तो कुछ इस टाइप तो से आप लोग ऐसे मतलब ऐड कर सकते हो किसी को भी आप लोग ऐसे डिलीट करना चाहते हो तो ऐसे क्लिक करके आप लोग ऐसे डिलीट कर सकते हो जैसे कि ये इसमें क्लिक करके आप लोग ऐसे डिलीट कर सकते हो गलती से अगर आप लोग की अच्छे से ऐड नहीं हो पाई तो आप लोग ऐसे डिलीट कर सकते हो तो ऐसा कर लीजिएगा यहाँ पे मैं सभी को ऐड कर लेता हूँ जहाँ जहाँ मतलब हमें फोटो को चेंज करना है तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ तो यार मैंने यहाँ पे ना अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ जैसा मेरे को अच्छा लगा ठीक है मैंने कुछ नहीं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करके ठीक है जैसे कि इस टाइप से प्ले करके मैंने कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने ऑडियो यहाँ पे बंद करके रखी हूँ रख लिया हूँ क्योंकि ना इशू की वजह से मैं यहाँ सॉन्ग नहीं सुना सकता हूँ आप लोग को बाकी मैंने कुछ इस टाइप से यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ मतलब ऐड कर लिया हूँ ये जो बीट मार्क है ना इनको ऐड कर लिया हूँ के बाद यहाँ पे कर लीजिएगा यहाँ पे डन ठीक है तो यहाँ पे मैं आप लोग को सभी बीट्स से यहाँ पे दिखा दिया हूँ फर्स्ट बीट कब ऐड कर रहा कराऊँ मैंने सेकेंड कब ऐड कर रहा कराऊँ यहाँ पे टाइमिंग भी दिख आप लोग को ऐसे ऐड करने के बाद यहां पे आप लोग को लेना है डन में, और में क्लिक और डन में जैसी क्लिक करोगे कुछ इस टाइप की वर्टिकल लाइन यहां पे दिख रही होंगी आप लोग को कुछ स्टेप्स यहाँ पे उनको यहाँ पे कुछ स्टेप की स्टेप्स इनकी ड्यूरेशन यहाँ पे आप लोग को स्ट्रेच कर लीजिएगा यहाँ पे ड्यूरेशन जो होगी आप लोग की फोटो की तो उसमें आप लोग कुछ इस टाइप से ऐसे ऐड कर लीजिएगा सभी फोटोज को आप लोग को कुछ इस टाइप से ऐसे ड्यूरेशन इनकी ठीक कर लेना है कुछ इस टाइप से जैसे कि ये जो सॉन्ग है उनके अकॉर्डिंग और इसके बाद में आप लोग यहाँ पे कुछ स्टेप्स कर लीजिएगा यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ उसके बाद आप लोग को बताता हूँ ठीक है ऐड कर लिया हूँ यहाँ पे जो लास्ट की ये जो फ़ोटो है उसको यहाँ पे सॉन्ग के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट और स्प्लिट कर दूंगा मतलब स्प्लिट और कट यहाँ पे डिलीट कर दूंगा ठीक है स्प्लिट और डिलीट कर दूंगा साइड वाली ये फ़ोटो है उसकी डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इसके बाद क्या करना है आप लोग को यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो भी फ़ोटोज़ बची हैं उन्हें आप लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हो इसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक्सपोर्ट में क्लिक कर लेना है एक्सपोर्ट जैसे ही आप लोग की यहाँ पे वीडियो हो जाएगी इसके बाद में क्या करना है आपको बताता हूँ मैं ये एक्सपोर्ट हो चुकी है वीडियो इसके बाद क्या करना है आप लोग को इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में चले जाना है और उसके बाद में यहाँ पे सॉरी मैंने नेट कनेक्शन ऑन नहीं कर रहा हूँ तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट बताता हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट बताता हूँ आप लोग को इंस्टाग्राम में तो जरूर जाके फॉलो कर लीजिएगा इसके बाद यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड को बेलो दबा दीजिएगा बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज लाने वाला हूँ आप लोग के लिए इस चैनल में मैं जो भी वायरल होते हैं ना इंस्टाग्राम में तो उनकी आप लोग को एडिटिंग सिखाने वाला हूँ टुटोरियल बताने वाला हूँ तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है रील अपलोड करते हो तो यहाँ पे आप लोग चले जाइएगा इसके बाद में आप लोग यहाँ पे जैसे कि आओगे ठीक है तो इसके बाद में आप लोग को यहाँ पे इफ़ेक्ट में चले जाना है और यहाँ पे आप लोग को सर्च कर लेना है ओल्ड फिल्म ठीक है तो आप लोग जैसे ही इसे सर्च करोगे तो इसके बाद में आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा ये वाला इफ़ेक्ट तो इसे आप लोग को क्लिक कर लेना है और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेव करके रख लिया हूँ ठीक है तो इसे आप लोग को कुछ स्टेप्स ऐसे क्लिक करके ऐसे आप लोग को सेव कर लेना यहाँ पे क्लिक करोगे तो ठीक है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी इससे आप लोग को मतलब वहां पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है और उसके बाद में आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पे देखिए सॉन्ग मतलब मैं सुना नहीं सकता हूँ ठीक है कॉपीराइट इशू की वजह से तो इसके बाद यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लेना है इसमें क्लिक करने के बाद में आप लोग को यूज ऑडियो में क्लिक कर लेना है इसमें क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और जो वीडियो आपने अभी बनाए हो तो उसे आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है ऐड करने के बाद में यहाँ पे ऐड में क्लिक कर लेना है इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग को यहां पे प्रीव्यू में क्लिक कर लेना है ठीक है प्रीव्यू में जैसे क्लिक करोगे इसके बाद में यहाँ पे आप लोग को इफेक्ट वाला ये आइकॉन मिलेगा यहाँ पे तो इसमें क्लिक कर लेना है आप लोग को और उसके बाद अभी आप लोगों ने जो इफेक्ट सेव करे होगे ना वो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है अगर आप लोगों ने सेव करे होगे तो ही आएगा तो जैसे इसमें क्लिक करोगे वैसे ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा और आप लोग की रील वीडियो तैयार हो जाएगी ठीक है ना और देखो भाई एक बात बताना चाहता हूँ ठीक है सेव करोगे जब भी आएगा ये और उसके बाद यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बैल को नबाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाले इस चैनल में मैं आप लोग के लिए ऑडियो भी इसमें ऐड हो जाएगा जो आपने यूज ऑडियो में क्लिक करेगा ना जो आप लोगों ने यूज ऑडियो में क्लिक करेगा ना तो आप, आप लोग की जो ऑडियो है वो भी ऐड हो जाएगी बा, बाकी मैं यहाँ पे नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि कॉपी राइटिंग की वजह से इसलिए ठीक है तो यहाँ पे मैंने कर लिया हूँ डन में क्लिक डन में क्लिक करने में के बाद मैं क्या करना है आप लोग को यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करके अपनी रील वीडियो को यहाँ पे शेयर कर लेना है ठीक है मैं अपनी मेरी आईडी है तो मैं अब मैं थोड़ी कर सकता हूँ ठीक है लेते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जय श्री कृष्णा जय हिंद तो यार एक बात बताना आप लोग को भूल गया था ये भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो कुछ स्टेप से ऐसे प्लस के अकाउंट में क्लिक करके इसके बाद यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह ऐड कर सकते हो